हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस मामला। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की 13.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो इस प्रश्नमाला के अंदर आपको अनुपात के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अनुपात क्या है, फिर अनुपात के बाद है समानुपात और व्युत्क्रमानुपात। तो समानुपात और व्युत्क्रमानुपात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अनुपात क्या होता क्या है। तो अनुपात दो संख्याओं या मात्रा के बीच में तुलना के रूप में हो सकता है, संबंध के रूप में हो सकता है। जैसे दो पेड़ों की ऊंचाई की बात करें तो उसका अनुपात दे रखा है अपन को, जैसे 2:3। तो पहले पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर हो गई, ठीक है। तो वैसे ही दूसरे पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर हो गई, तो उनके बीच में ये एक प्रकार का अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुपात होता है, संबंध बताता है दो वस्तुओं के बीच में, संख्याओं के बीच में, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अपन समानुपात और व्युत्क्रमानुपात क्या होते हैं। तो समानुपात या समानुपाती, तो समानुपात इसका एक और नाम है, जैसे प्रत्यक्ष अनुपात और बोल सकते हैं इसको अनुक्रमानुपात, ये सब इसके नाम है, ठीक है। तो यानी कि ये समानुपात होता है, ठीक है। समानुपात का मतलब है जैसे दो नंबर अपने पास ए और बी, ठीक है। तो यानी कि समानुक्रमानुपात में होता है कि जैसे ए बढ़ेगा, जैसे ए की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे बी की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि ए समानुपात बी होता है, यानी कि ए प्रोपोर्शनल बी होता है। तो ये तो एक प्रकार का समानुपात होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक है अपने पास व्युत्क्रमानुपात। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, कैसे, जैसे ए और बी है अपने पास, तो ए प्रोपोर्शनल 1/b होता है। तो इसका मतलब है कि ए का मान अगर बढ़ रहा है तो फिर बी का मान घटेगा, या फिर बी का मान अगर बढ़ रहा है तो फिर ए का मान घटेगा। ये दोनों अपने एक क्रम के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। ए का मान बढ़ेगा तो बी का घटेगा, और बी का बढ़ेगा तो फिर ए का घटेगा। इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपात होता है और यह समानुपात होता है। समानुपात के लिए जैसे उदाहरण ले लें अपन, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। वैसे नीचे दे दें, मान लो कोई कक्षा है, कक्षा 1, 2, 3 है और उसमें छात्र हैं। कक्षा 1 के छात्र मान लो 2 हैं और इधर, तो फिर समानुपात में क्या होता है, छात्र की संख्या जैसे बढ़ेगी तो इधर 4 हो जाएगी और इधर 6 हो जाएगी, यानी कि एक क्रम से बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 है, फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले कॉलम में 1/2 है, ठीक है। तो वैसे ही इस कक्षा में देखो, कक्षा 2 में कितने छात्र हैं, अपने पास 4 छात्र हैं, ठीक है। तो जब इसको आप काटोगे आगे बढ़ाओगे तो 1/2 ही वापस आंसर प्राप्त होगा आपको। वैसे ही इधर देखो, तीसरे वाले कॉलम में जैसे 3/6 है, जब इसको आगे बढ़ाओगे आप तो 1/2 ही प्राप्त होगा। तो एक ही क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ये समानुपात होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, 4 घंटों तक 60 रुपए, यानी कि कार को खड़ी करने के लिए 4 घंटे खड़ी करनी है तो 60 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 8 घंटे के लिए 100 रुपए और 12 घंटे के लिए 140 और 24 घंटे के लिए 180 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। जांच कीजिए कि जांच पार्किंग शुल्क पार्किंग के समय प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब समानुपात। क्या जांच कीजिए कि यह समानुपात में है। तो समानुपात का मतलब मैंने बताया था कि जो संख्या क्रम से बढ़ रही है वो दूसरी संख्या भी क्रम से बढ़नी चाहिए, यानी कि जो घंटों में संख्या दे रही है वो भी क्रम से बढ़ रही है, तो इधर रुपए जो हैं वो भी क्रम से बढ़ने चाहिए। क्या वो सही क्रम में पैसे लग रहे हैं तो फिर वो प्रत्यक्ष अनुपात होगा, समानुपात होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर समानुपात नहीं होगा। पूछा क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात या उसको बोल सकते हैं समानुपात, या तो प्रत्यक्ष अनुपात बोल सकते हैं या समानुपात बोल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखे देखिए, एक तो घंटों में संख्या दे रखे, तो एक प्रकार से लिख सकते हैं हम घंटे क्या हैं, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं और 24 हैं। उसी प्रकार इधर रुपये दे रखे, उसके अनुसार कि 4 घंटे में 60 रुपये, तो 4 के सामने 60 लिख देते हैं, 8 रुपये, सॉरी 100 रुपये ले रहे हैं 8 घंटे में, फिर 12 घंटे में 140 और 24 घंटे में ले रहे हैं 180 रुपये, ठीक है। जांच करना है अपन को क्या प्रत्यक्ष रूप में अनुपात दिया हुआ है क्या, ठीक है। देखिए अपन 4 घंटे में कितने रुपए ले रही है, 60 रुपए, तो मैं लिख सकता हूँ 4/60, ठीक है। इधर 8 घंटे में 100 रुपए, तो बराबर लगा के लिख सकता हूँ यहाँ 8/100, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष अनुपात आया यानी कि समान अनुक्रम आया, तो यानी कि इस प्रत्यक्ष अनुपात होगा, समानुपात होगा, ठीक है। वैसे 12 घंटे में 140 बराबर 12 घंटे में 140 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार 24 घंटे में 180 रुपए, तो 24/180 लिख सकता हूँ। प्रत्यक्ष अनुपात का पता कैसे लगाएंगे अपन, जैसे 4/60 है तो 4/60 को अपन काटेंगे तो कितने बार कट रहा है, 4/1/15 बार कट रहा है, 15 बार बाद चला जाएगा,
ठीक है, तो इसका तो आंसर है जैसे 1/15, ठीक है। उसी प्रकार 8/100 को अपन भाग देंगे तो देखिए ये गलत हो गया, कैसे है, क्योंकि 8 का भाग तो 100 में ज्यादा नहीं। अपन काट के देख लेते हैं, 4 से कट रहा है ये 2 बार और ये कट रहा है लगभग 25 बार, ठीक है 25 बार कट रहा है, फिर 2 से फिर आगे काटेंगे इसको तो कट नहीं रहा है, 2/25 आएगा लगभग पॉइंट में आंसर आएगा। तो देखिए 2 से निकल रहा है इसका आंसर तो आया 2/25 का आ रहा है 1/15, ठीक है, तो सही क्रम में नहीं आया, यानी कि 1/15 के क्रम में बढ़ना चाहिए था, इसका आंसर भी 1/15 आता आगे बढ़ाते जब अपन, तो 1/15 नहीं आया, तो यानी कि ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, ठीक है। बढ़ तो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है अनुपात और इधर भी पैसे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने से ये मतलब नहीं है अपन को, ए प्रोपोर्शनल बी बताया था मैंने, यानी कि समान क्रमान में बढ़ना चाहिए, यानी कि ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ता है, लेकिन क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है तो क्रम से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, एक क्रम से बढ़ता तो प्रत्यक्ष अनुपात होगा, यानी कि अपन देख सकते हैं कि 4/60 समान नहीं है, बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये भी इज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, तो यानी कि यह प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है।